हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, मैं आप सभी से पहली बार तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, बिना बताए मैं गायब हो गया था। सॉरी, मैं दोस्तों गायब नहीं हुआ था, एक्चुअली मुझे इम्पोर्टेंट काम था। सो मैं आउट ऑफ स्टेशन था, हालांकि मैं अपने होम टाउन था। सो वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी होने के कारण मैंने बहुत कोशिश की कि वीडियो रिकॉर्ड करूँ, अपलोड करूँ, पर इंटरनेट की बहुत ही प्रॉब्लम थी दोस्तों। मेरा काम भी नहीं हुआ, तो मुझे वापस दिल्ली आना पड़ा, है ना। सो आप सभी की मुझे याद भी आ रही थी, मुझे लग रहा था आप सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे वीडियोस की, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हो मेरी हालत भी। अभी आज सुबह ही आया हूँ ट्रैवल करके, है ना। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ बच्चों, अब लगातार वीडियो आती रहेंगी डेली, है ना। तो आप जुड़े रहिए बस ऐसे ही। तो आज दोस्तों, फ्रांस की जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रांस इन इंडिया, है ना। इसमें ये समझेंगे कि जो फ्रेंच थे वो इंडिया आए, और फ्रेंच का जो रिलेशन है इंडिया से अब कैसा है ना, वो सारी चीज़ें, टर्म और यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जानने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। हिस्ट्री बहुत बड़ा है ना। फ्रांस और इंडिया का रिलेशन समझने में अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी सारी वीडियोस बन सकती हैं इस पे। तो यहाँ पे दोस्तों बस हम वही डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और बेस्ड ऑन एग्जाम पर्सपेक्टिव, है ना। तो आई होप दोस्तों, आप लोगों को पहले की जो वीडियोस हैं फ्रांस पे जो मैंने बनाई हैं, चाहे वो जियोग्राफी बेस्ड हो, हिस्ट्री बेस्ड हो, आपको पसंद आ रही होंगी। और मैं वादा करता हूँ दोस्तों, ये सारी वीडियोस ऐसे ही आएंगी, और मैं कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ, क्वालिटी कंटेंट हो, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो आपको भी लग रहा होगा अब दोस्तों कि हाँ, कि एक अलग ही लेवल की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमें रट्टू विद्या नहीं पढ़नी, रटना नहीं है बिल्कुल भी, हमारी कोई अप्रोच नहीं है ऐसे रटने वाली, ना रटाने की, है ना। हम सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव में थ्रोली पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, तो बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। फैक्ट, कुछ नंबर्स मैंने फैक्चुअल, अगर आप देखोगे नंबर फैक्ट 20 है तो ये मत समझिएगा दोस्तों कि 20 फैक्ट ही अब तक मैंने पढ़ाए हैं। अगर मैं कोई भी एक फैक्ट पढ़ाता हूँ, उससे कई सारे फैक्ट ऑलरेडी रिलेटेड होते हैं जो कि मैं पढ़ा रहा होता हूँ, उसमें नंबरिंग नहीं करता। बट हाँ, मैं अपने लिए थोड़ी सी नंबरिंग इस तरीके से कर लेता हूँ कि किस लेवल तक हम पहुँच चुके हैं, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, है ना। तो आज हम समझते हैं दोस्तों, ये जो फ्रेंच थे, जो उनका अराइवल कैसे हुआ था, वो इंडिया में आए कैसे थे फ्रेंच पीपल, है ना। तो आप सभी को जैसे पता होगा दोस्तों, जो पुर्तगीज थे, है ना, सबसे पहले पुर्तगीज इंडिया में आए थे। और यही आपके लिए क्विज होगा दोस्तों, आप ये बताइएगा इंडिया का वो कौन सा प्लेस था जहाँ पे पुर्तगीज आए थे आपके, है ना। तो आपके लिए ये मैंने मैंने क्विज छोड़ा हुआ है, एक मिनट दोस्तों। तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी है, तो इतना तो हमें पता है कि जो पुर्तगीज़ हैं वो अराउंड लेट 15th सेंचुरी में आए थे, 1498 में, है ना। इंडिया के एक पोर्ट है, उस पोर्ट का भी नाम मैं बताऊंगा, मैं बता सकता हूँ अभी भी, बट मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो क्विज हैं आप अटेम्प्ट करो कमेंट सेक्शन में, जैसे कि हमारी लर्निंग अप्रोच है, थोड़ा आप भी सर्च कीजिए, पढ़िए, नहीं तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, लेकिन उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, है ना। जब मैं इतना बता रहा हूँ, आगे की स्टोरी थोड़ी सी आप भी कनेक्ट कीजिए, है ना, तब मज़ा आएगा पढ़ने में दोस्तों। तो अब ऐसे ही दोस्तों, जब पुर्तगीज़ आए, ऐसे डच आए, फिर फ्रेंच पीपल भी आए, है ना। तो देखा जाए तो
जो सबसे पहले कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी दोस्तों इंडिया में, है ना, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो फॉर्मेशन था दोस्तों 1664 में था, हुआ था, है ना। और ये जो पीरियड था, ये जो राइन था फ्रांस में, किंग लुई 14th के टाइम पे था। उन्होंने इंडिया में व्यापार ट्रेड आपस में बढ़ाने के लिए इंडिया में भेजा था मर्चेंट्स, जो जो ट्रेडर्स थे, है ना। तो ऐसे ही एक कंपनी सबसे पहले फॉर्म की गई थी। और देखा जाए दोस्तों, जो जो पहली उनकी फैक्ट्री लगी थी सूरत में, वो 1668 AD में लगाई गई थी फ्रेंच द्वारा। और साथ ही आपको पता होगा, जो आज के टाइम में मछलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी जानते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश की एक सिटी है, जहाँ पे दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री लगाई गई थी एक साल बाद ही, है ना। सूरत में कब लगाया गया था? 1668। बस आप इतना याद रखिए, डेट को अब याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, जैसे मैं इवेंट बता रहा हूँ, पुर्तगीज़ कब आए 1498, देन फ्रेंच आए, है ना, उनकी पहली कंपनी स्टेब्लिश हुई 1668 में, आप इस तरीके से समझ सकते हो। और वो किस कैसा किस टाइम का पीरियड है, जैसे मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया था, आप रिकॉल कीजिए 1789 जब आउटब्रेक हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, उससे पहले का भी थोड़ा सा हम आ रहे हैं ना उस टाइमलाइन से, जब किंग लुई 14th थे, है ना। अभी किंग लुई को भी देखते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, है ना, तो क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपने समझ ली कि जो पहली कंपनी कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई इंडिया में, और दूसरी कंपनी कहाँ हुई, है ना। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो इंडियन ओशियन है आपका, अभी मैं दिखाऊंगा मैप के थ्रू भी, वहाँ पे फ्रांस ने दो अपनी आइलैंड टेरिटरीज बनाई, अपनी कॉलोनी बनाई। पहली जो कॉलोनीज थी, ये एक पिक्चर है, पहले आप देख लो सूरत की, उस टाइम पे जब ट्रेड हो रहा था सूरत से, है ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी फ्रेंच की, जब इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम की। ये पिक्चर नहीं है एक्चुअली, बोल सकते ये इलुस्ट्रेशन है, किया गया है इलुस्ट्रेट, आप ऐसे आप समझ सकते हो। तो मैं आपको सूरत भी दिखा सकता हूँ, ये है हमारा प्यारा भारत, है ना, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, अरबियन सी है, ये है सूरत। सूरत कहाँ है दोस्तों? आपको पता है गुजरात में। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, तापी नदी भी सूरत आसपास है। तरीके के मैप से भी देख सकते हो, समझ सकते हो। आपको सारी चीज़ें इंडिया के रेफरेंस में भी पढ़ना है दोस्तों, है ना, जब भी आप पढ़ रहे हो। तो जब आपको इंडिया को एज अपने आप को रेफरेंस में रखोगे, उसके रेफरेंस में कोई भी मैप पढ़ते हो, कोई भी जियोग्राफी, आपको इजीली रिमेम्बर हो जाएगा। तो आप देखते हैं थोड़ा सा, जो हमने अभी मछलीपट्टनम पढ़ा था, आंध्र प्रदेश है यहाँ पे, यहाँ पे विशाखापट्टनम जिसे वाइजैग भी बोलते हैं, यहीं पे है, और यह है मछलीपट्टनम उस टाइम का शहर, जहाँ पे दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1669 में, एक साल बाद सूरत की, है ना। एक थोड़ा जूम इन मैप है, आप ये देख लीजिए, मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, अमरावती, तीनों जो इम्पोर्टेंट शहर हैं यहीं पे हैं, और ये है आपका वाइजा विशाखापट्टनम। अब देख लेते हैं लुई 14th के बारे में, यह है उनकी पिक्चर, रिलेट कर सकते हो। तो ये जो दोस्तों लुई 14th है, इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1638 से लेके 1715 तक के बीच का पीरियड है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूरोपियन हिस्ट्री में ये एक ऐसे मोनार्क है जिन्होंने 72 ईयर्स तक राज किया है ना। इनका जो टाइम पीरियड है, वो पूरे यूरोप में लॉन्गेस्ट पीरियड है मोनार्की के लिए। और इनको दसन किंग के नाम से भी जाना जाता है, लुई द ग्रेट भी आप बोल सकते हो। तो आपसे एग्जाम में सिंपली ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ लेगा
हु वॉज नोन एज द सन किंग? ऑप्शन में दिया होगा लुई 14, 16, 15, ऐसे है ना, नन ऑफ द अबव। तो आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा हूँ, ये नहीं कि सीधे मैं आपको ऑप्शन या क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इस तरीके से समझो। आप कहानी से भी रिलेट करके जब इस तरीके से पढ़ोगे, आपकी मेमोरी शार्प होगी, आप इजीली सारी चीज़ें रिमेम्बर कर पाएंगे और रिकॉल भी कर पाएंगे इन केस आप भूलते भी हो। आप स्टोरीज आपके फॉर्म में जब कोई चीज़ पढ़ते हो, आप भूलने का कोई सवाल ही नहीं बनता दोस्तों। तो ये अभी हमें समझ में आ गया, जो लुई 14 थे, इन्हीं के टाइम के पीरियड में जो फ्रेंच थे वो इंडिया आए थे, जिन्होंने सूरत और मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई थी। आप देखें दोस्तों, इसी टाइम पे फ्रांस ने दो आइलैंड पे, जो अभी मैं बता रहा था, रीयूनियन और मॉरिशस आइलैंड पे अपना कब्जा कर लिया था दोस्तों, है ना। जो रीयूनियन था ये 1946 में, 46 तक कॉलोनी रही थी दोस्तों, फ्रांस ने रूल किया था रीयूनियन आइलैंड पे, अभी वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद आज भी ये एक ओवरसीज डिपार्टमेंट है फ्रांस का दोस्तों, है ना, 1974 में इसको ओवरसीज डिपार्टमेंट बना दिया गया था फ्रांस का। और देखें दोस्तों, यहाँ पे अभी 1973 में, जब 1974 में ओवरसीज डिपार्टमेंट बनाया गया, उससे पहले हेडक्वार्टर भी रखा गया फ्रेंच के मिलिट्री फोर्स का, है ना, इंडियन ओशियन में, जहाँ क्योंकि ये जो रीयूनियन है ये इंडियन ओशियन में लाया करता है, और यहीं पे फ्रेंच का मिलिट्री फोर्स फोर्स भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो इसी आइलैंड पे। तो अगर देखें, ये है थोड़ा सा लार्ज मैप, लार्ज स्केल मैप है ना, स्मॉल स्केल मैप है, सॉरी दोस्तों। तो ये है हमारा प्यारा भारत, है ना, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, यह है इंडियन, है ना, ओशियन। तो ये है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये है आपका अफ्रीका, ये है आपको ये जो बड़ा सा आइलैंड दिख रहा है मादागास्कर, ये है आपका रीयूनियन, और ये है आपका मॉरिशस, ये दोनों पास में ही है, आगे के भी मैप में हम समझते हैं। तो फ्रांस का रूल यहाँ पे भी रहा दोस्तों, ये है मॉरिशस यहाँ पे दोस्तों, और रीयूनियन है ना, ये है आपका इंडियन ओशियन। तो आपको दिख रहा होगा ये जो कॉस्ट लाइन है, ये इंडिया का है, अरेबियन सी है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे दोस्तों, तो आप इजीली रिमेम्बर कर पाओगे, देख रहे हो दोस्तों, है ना। तो आपको तो मैप तो समझ में आ ही गया होगा अभी तक थोड़ा। और लार्ज स्केल में मैप में देख लेते हैं दोस्तों, ये है, ये जो दो आइलैंड दिख रहे हैं आपको, एक है आपका मॉरिशस जो इस साइड में जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ, तो ये है आपका रीयूनियन, मॉरिशस भी देख सकते हो, ये है रीयूनियन, है ना। और तरीके समझते हैं, यहाँ पे है पोर्ट लुइस मॉरिशस पे है, सेंट डेनिस जो है रीयूनियन पे है, देख सकते हैं। ये है मादागास्कर, इसके भी बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम से। अभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अभी के लिए इतना आप समझिए। तो इतना आपको समझ में आ गया मॉरिशस एंड ऑल, तो मॉरिशस की भी स्टोरी समझ लें। तो मॉरिशस जो आइलैंड है, यहाँ पे अगर देखा जाए, सबसे पहले मूर्स ने डिस्कवर किया था। अब सवाल ये होगा आपके मन में दोस्त कि मूर्स कौन थे, ये कौन सा ग्रुप था। तो मैं आपको बताऊँ, जो आइबेरियन पेनिशुला है दोस्तों, और मगरेब का जो उधर के रीजन है, जो वहाँ पे मुस्लिम लोग रहते थे, उनको यूरोपियन जो या क्रिश्चियन थे, उन्होंने उनको मूर्स कहा, मूर्स पीपल, है ना। तो ये है, और उसी के बाद दोस्तों अराउंड 16th सेंचुरी में, अर्ली 16th सेंचुरी आप बोल सकते हो, यूरोपियन जो है विजिट करते हैं, जिसमें से आपको पता होगा पुर्तगाली, क्योंकि वो नए नए जगह की खोज में निकले हुए थे व्यापार के लिए। सबसे पहले देखा जाए तो पुर्तगीज भी यहाँ पे भी आए, है ना, अपनी कॉलोनी बनाने के लिए 1510 में, अर्ली 16th सेंचुरी में।
और जो डच थे वो सेटल हो गए दोस्तों 1519 में, लेट 16th सेंचुरी में। डच पीपल भी आपको बताया, आपको आपको बता दूं, बट अभी हम फ्रांस के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं तो आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे भी फ्रांस ने सेटल कर लिया था। और अभी आगे दिखाता हूँ, 5 साल बाद जब यहाँ पे 1710 में यहाँ पे ये जो आपके प्रिंस मोरेस थे नसाओ, जिनका आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, जो डच थे, इन्होंने यहाँ पे शुगर की खेती की है ना, जावा डियर भी यहाँ पे लगाया 1710 में। और जहाँ पे इन्होंने एक बेहतरीन रहने का प्लेस भी बनाया, सेटलिंग, जिसे आप देख सकते हो ना, बेटर सेटलिंग प्लेस रहने के लिए, जिसका नाम दिया गया द केप ऑफ गुड होप इन साउथ। इसका मतलब है द केप ऑफ गुड, जिसको माना गया कि इंडिया का एक रूट भी है इंडिया जाने का। तो जस्ट 5 साल बाद दोस्तों, जब ये इस्टेब्लिश किया गया, जब इसको बनाया गया, जो जहाँ पे ये सेटल हुए डच लोग, द केप ऑफ गुड है ना, तो उसी के जस्ट 5 साल बाद दोस्तों आपको बताऊं, जो फ्रेंच थे उन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया मॉरिशस आइलैंड को और उसको रिनेम कर दिया आइल दे फ्रांस। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जो नीदरलैंड थे, डच पीपल जिनको बोल सकते हो, जो फ्रेंच पीपल थे और जो ब्रिटेन थे, इन तीनों ने मिलके यहाँ पे अपनी कॉलोनी बना रखी थी दोस्तों। हालांकि मॉरिशस जो है 1968 में इंडिपेंडेंस हो गया दोस्तों, इंडिपेंडेंस मिल गई इससे ब्रिटिश पीपल से। और अगर रही बात की फ्रेंच ने कब कॉलोनाइज किया था है ना मॉरिशस को, तो फ्रांस ने ही इसको कॉलोनाइज किया था 1767 में, जब तक कि ब्रिटिश ने इसको अपने कंट्रोल में नहीं ले लिया था 1810 तक। और 1968 में मैं आपको बता चुका हूँ, मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। हालांकि ये इतनी स्टोरी याद नहीं रखनी, बस आप एक बार ही समझ लो, सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में रहेंगी है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है इंडिया के प्रस्पेक्टिव से है ना। तो एक ये जो मैप मैं लगा रहा हूँ दोस्तों है ना, तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जो फ्रेंच की कॉलोनीज थी वो कहाँ पे थी। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों पौंडीचेरी है ना, कारी कराईकाल, माहे है ना, तो यूनोन है ना, जिसे यूनोन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर मैप है आपके लिए, मैंने लगाया हुआ है। तो देखा जाए जो मद्रास था है ना, उस टाइम पे फुल्ली कंट्रोल में था फ्रेंच के है ना, और जो कैलकटा प्रेसिडेंसी थी या बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनती है, ये पूरे कंट्रोल में हो जाती है ब्रिटिश के। तो अब यहाँ पे आती है दोस्तों, भयंकर लड़ाइयाँ हो रही थी व्यापार के लिए, किसके किसके बीच में, हालांकि सिर्फ यहाँ पे पुर्तगीज, डच और जो फ्रेंच हैं, सिर्फ यही लोग नहीं थे, इसमें और भी काफ़ी अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज भी आई थी यहाँ पे व्यापार करने। तो हालांकि ब्रिटिश सक्सेसफुल रहा अपनी कॉलोनी बनाने में ऑल ओवर इंडिया पे। तो अभी हम जो रेफरेंस फ्रांस के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं जो फ्रेंच की कॉलोनीज थी इम्पोर्टेंट, वो पॉन्डिचेरी थी दोस्तों है ना, कारीकाल थी जो मैंने बताया, कराईकाल, माहे, ये तीन थी लोकेशन, ये कॉलोनीज थी जिनको फ्रेंच ने अपनी कॉलोनीज बनाया था। हालांकि जो पॉन्डिचेरी था वो उनका एक तरीके से आप समझिए स्टेट बना रखा था अपना, एक जैसे आप बताते हो ना हेडक्वार्टर है आपका, जहाँ पे एक मेनली उस तरीके से कैपिटल आप समझ सकते हो, जो कॉलोनाइज करते, तो उन्होंने इंडिया में पॉन्डिचेरी को बनाया था। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, तो सबसे पहले फ्रेंच ने अपनी जो कॉलोनी सेटअप की थी इंडिया में पॉन्डिचेरी, जिसको ऑफिशियली जाना जाता है पुंडुचेरी। अभी ये
यूनियन टेरिटरी है ना इंडिया में, और जो कराईकल है जो एक टाउन है पौंडीचेरी का, और योनम ये भी एक टाउन है, एक सिटी है, टाउन बोल सकते हो पौंडीचेरी का। और जो माहे हैं ये भी एक साउथ वेस्ट कोस्ट है, आप यहाँ पे देख रहे होगे ना मालाबार इधर ही पोर्ट है। हालांकि इतना हिंट दे दिया मैंने एक क्विज के लिए, वो आप समझिएगा, उसका आंसर आपको देना ही है एक क्विज में। क्या आप पूछा था मैंने कि जो पुर्तगीज थे कौन से प्लेस पे सबसे पहले आए थे, है ना, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अभी ये इतना समझ में आया दोस्तों कि इंडिया के जो इंडिया में फ्रेंच की टेरिटरी कहाँ पे थी, बस आप इतना नेम याद रखिए, है ना, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे। तो अभी भी देखेंगे अगर आप इंडिया में पौंडीचेरी जाएं दोस्तों, अपने अपने प्यारा प्यारे भारत में, आपको वहाँ पे इंस्टीट्यूट मिलेगी, इंस्टीट्यूट है दोस्तों फ्रेंच की, है ना, जहाँ पे रिसर्च रिसर्च सेंटर है, इकोलॉजिकली बायोडाइवर्सिटी उनको उनके उनके ऊपर वो रिसर्च करते हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है दोस्तों, है ना, तो आप देख सकते हो वो फेमस है। आप अगर आपको याद हो उस इंस्टीट्यूट का नाम तो आप ज़रूर बताइएगा। तो अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा समझते हैं। तो और देखा जाए यहाँ पे, ये भी आप समझ सकते हो कि जो 1674 का टाइम था, है ना, उस टाइम पे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया था पौंडीचेरी का, जो मेरा मतलब था आपको समझाने का कि जो सेंटर था, है ना, जिसको मैं स्टेट बोल रहा था पौंडीचेरी में, तो 1674 में ही पौंडीचेरी को अपना ट्रेडिंग सेंटर पौंडीचेरी को बनाया था। हालांकि दो और कॉलोनीज थी, माहे एंड करिकल, यहाँ से भी व्यापार होता था, और जो उन्होंने दो आइलैंड और अपने आइलैंड को कॉलोनी बनाई थी, मॉरिशस और रियूनियन, तो यहीं पे का दबदबा था। हालांकि साउथ में ही ये आपस में लड़ भी रहे थे ब्रिटिश के साथ भी। तो आगे हम देखेंगे किस तरीके से ब्रिटिश ने फ्रांस को इंडिया से बाहर कर देते हैं। ये कह सकते हो फ्रांस सिर्फ मद्रास वाले ही रीजन में, ये जो रीजन है, ये जो कॉलोनीज थी, यहीं तक ये सिमट के रह गई। तो ये हटे कैसे थे दोस्तों? कर्नाटिक वॉर्स हुए थे, तीन कर्नाटिक वॉर्स हुए थे दोस्तों। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर्स 1746 और 1746 से लेके 48 के बीच में ये जो कर्नाटिक वॉर्स हुए थे वो फ्रांस और ब्रिटेन के ही बीच में हुए थे। हालांकि और भी पावर्स थी इंडिया की जो जिसको फ्रांस फुली सपोर्ट कर रहा था, है ना, लड़ाई के लिए। तो ये जो तीनों कर्नाटिक वॉर हुए थे, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, 1749 सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुआ 54 तक, और फिर 1756 से लेकर 63 तक थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ, इसमें फ्रेंच हार गई, ब्रिटिशों ने हरा दिया और फ्रांस को बाहर कर दिया। क्योंकि एक ऐसा टाइम आ गया था दोस्तों, ना कि सिर्फ वो वहाँ पे व्यापार अपना जमा रहे थे, वो बस पॉलिटिकली आप समझ सकते हो इंडिया में घुस गए थे और आपस में लड़ाइयाँ भी कर रहे थे, इंडिया के पॉलिटिकल मैटर में भी अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहे थे। किस तरीके से आप देख सकते हो यूरोपियन पावर थी ये, जो दो बड़ी यूरोपियन पावर थी उस टाइम की। तो अब जो फ्रांस था, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ पौंडीचेरी कारिकल यहीं तक ही सिमट के रह गया, और ब्रिटिश ने अपना एम्पायर पूरा स्थापित कर देता है इंडिया में। तो अगर आपको दोस्तों कर्नाटिक वॉर्स पढ़ना है, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ईच, क्योंकि इसके अलग ही टॉपिक हैं, अलग अगर मैं पढ़ाऊँ तीनों वॉर के अलग अलग टॉपिक बन सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो दोस्तों आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बस आपको बस मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए, ताकि हाँ रिम्बर रहे कि जो फ्रेंच पीपल थे वो इंडिया से कैसे बाहर हो गए थे, कैसे एक छोटे से हिस्से में सिमट के रह गए, है ना। तो इन कर्नाटिक वॉर्स में हार गए थे फ्रेंच, जिसकी वजह से एक पौंडीचेरी जो एरिया था मद्रास रीजन का, उधर माहे और कराईकल, तो यहीं तक वो फ्रेंच पीपल रह गए, है ना। तो अब देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू भी होता है दोस्तों, है ना, आपको पता ही होगा। तो अब इसमें जो सिग्निफिकेंट है हमारे लिए वर्ल्ड वॉर टू,
जिसमें क्या होता है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, आप सभी को पता होगा 1947 में। उसी के बाद फ्रेंच और इंडिया इंडियन एग्रीमेंट होता है 1948 में, जिसमें ये होता है कि जो फ्रेंच की कॉलोनीज हैं, माहे, कराईकल एंड पॉन्डिचेरी, इंडिया को वापस दे देना चाहिए, है ना। जिसमें फिर 1956 में ट्रीटी ऑफ सेसेशन होता है, और उसी के जस्ट बाद 1962 में से 1962 से लेकर 1963 का जो पीरियड होता है, उसमें पौंडीचेरी, कराईकाल, माहे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इंडिया को। और 1962 में ही जो पुडुचेरी है, आप जिसको बोल सकते हैं आज हमारा यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, तो यूटी बनाया जाता है इंडिया का पुडुचेरी को 1962 में। और ये टाइम भी मैं आपको रिलेट करा दूँ, इस समय भी इंडिया एक वॉर लड़ रहा था किसके साथ, चाइना के साथ। जी हाँ दोस्तों, और वो हम पढ़ेंगे आगे जब हम चाइना पढ़ेंगे। बस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आप सारे इवेंट को है ना याद रख सकें, एक सीक्वेंस में पढ़ते चलें। तो ये चीज़ें इस तरीके से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी हम जो कॉन्टेस्ट में पढ़ रहे हैं, इंडिया और फ्रांस, फ्रेंच का रिलेशनशिप, फ्रेंच कैसे आए इंडिया में, फिर क्या हुआ फ्रेंच का जो कॉलोनीज थी, कैसे हमें वापस मिली इंडिया की, है ना, तो क्या ट्रीटी साइन हुई थी, है ना, 1956 में। हालांकि ये ट्रीटी आपसे नहीं पूछी जाने वाली, बस आप जस्ट पढ़ लो ऐसे। अभी आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी हैं, जो शहर हैं बसाए हुए हैं फ्रेंच कॉलोनीज के, वो है ना, तो उसमें से भी इम्पोर्टेंट है वो है पुडुचेरी। अब देखते हैं दोस्तों, ये था एक मैप मैंने आपके लिए लगाया हुआ है, ये है ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट, आपको पता ही होगा, ये है मालाबार पोर्ट, और ये है कर्नाटक, और यहीं पे ये समझ लो, ये जो मद्रास का पूरा एरिया है, ये पॉन्डिचेरी आपको दिख ही रहा होगा, ये पूरा कंट्रोल में था फ्रेंच के उस टाइम पे, जहाँ पे फिर सिमट के रह गया, ब्रिटेन ने हरा दिया था कर्नाटिक वॉर्स में, है ना। तो ये एक हिस्टोरिकल मैप है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इवेंट भी लिखे हुए हैं हैदर अली खान से, बट हालांकि अभी हमें इसको पढ़ना नहीं है। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है तो आप उसमें आप पढ़ सकते हो। तो बस आपके रेफरेंस के लिए है कि मैं उस टाइम का मैप दिखा रहा हूँ, कर्नाटक था कर्नाटका, हालांकि कर्नाटका यहाँ पे कहीं है, बट ये कर्नाटक था जहाँ पे कर्नाटक वो लड़ी गई थी। और यहाँ पर मालाबार वेस्टर्न घाट, यह ईस्टर्न घाट है ना, तो इस रेफरेंस में आप देख सकते हो। आप देखते हैं दोस्तों, फ्रांस और इंडिया का रिलेशन उसके बाद से क्या होता है दोस्तों। हालांकि बहुत सारे डिप्लोमेटिक और डिप्लोमेट्स भी आए इंडिया में, इंडिया से भी गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी गए थे 1955 में, है ना दोस्तों। तो ऐसे ही डिप्लोमेट आए, बट उसमें से कुछ हैं जो हमें पढ़ना है, हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो उनमें से एक फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, फ्रैंकोइस हॉलैंड, है ना, जिस तरीके से अच्छे से आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं इसका, आप कर सकते हैं। यह है उनकी पिक्चर। इनका जो सिग्निफिकेंट विजिट है इंडिया में, वो 67th रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन पे ये चीफ गेस्ट विजिट किए थे इंडिया को, है ना, 26 जैन 2016 में। आपको बस ये ईयर याद रख लो, आपको रिपब्लिक डे और 67th रिपब्लिक डे था 2016 का, ये चीफ गेस्ट थे, है ना, प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस हॉलैंड। हालांकि इससे पहले भी आ चुके थे 15 या 13 में भी, वो आपको याद नहीं रखना, बट ये इवेंट आपको याद होना चाहिए, 2016 में फ्रैंकोइस हॉलैंड आए थे, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। तो हालांकि उसके बाद भी काफ़ी, उससे पहले भी विजिट किया था उन्होंने, उसके बाद भी आए, तो इस तरीके से आप समझ लो उनको इंडिया से बहुत लगाव हो गया था, प्यार आप समझ सकते हो, काफ़ी पसंद आया था इनको। तो उसके बाद देखें, एक और विजिट हुई थी, वो इमैनुअल मैक्रोन जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, है ना, इनकी 4 डे की विजिट थी इंडिया में, बायलेटरल रिलेशनशिप को लेके, है ना। ये कब आए, विजिट किए थे इंडिया को, मार्च 2018 में। तो ये भी आपको याद रखना है,
जो इमैनुअल मैक्रॉन है, जो ग्रैंड प्रेसिडेंट है फ्रांस के, वो 2018 में उन्होंने विजिट किया था। और जो इनका एम था विजिट करने का इंडिया में, बायलेटरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजी को इंगेजमेंट करने के लिए। हालांकि आने वाली वीडियोस में और भी सारी चीज़ें मैं रिलेशन में समझाऊंगा, वो चाहे डिफेंस से हो, डिफेंस में जैसे आर्मी की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा कि वो कौन सी तीन एक्सरसाइजेज हैं जो हम आज तक फ्रांस के साथ करते आ रहे हैं, वो चाहे नवल हो, है ना, एयर एक्सरसाइज हो, तो उन एक्सरसाइज के आप नाम लिख सकते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। और भी हम इंडिया को रिलेट करके पढ़ेंगे फ्रांस के साथ, और ऐसे ही मज़े मज़े में हम फ्रांस को ख़त्म कर देंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझ लेंगे जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी काफ़ी कुछ जानना बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये 9th वीडियो है इसी में मैं सारी चीज़ें ख़त्म करने वाला हूँ, और इसकी अलग से सीरीज चलेगी प्रीवियस ईयर की, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं JNU में, तो है ना, 2000 से लेके 2020 तक, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना, कि इंडिया में फ्रेंच पीपल कैसे आए थे, उनकी कॉलोनीज कौन को क्या कौन कौन सी थी, है ना, और जो दो इम्पोर्टेंट विजिट हुई हैं इंडिया में इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के थ्रू, फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, है ना, और फ्रेंकोइस के द्वारा, हॉलैंड के द्वारा, और इमैनुअल मैक्रन के जो रिसेंट विजिट थे 2018 में, हालांकि 20 में आपको पता ही है 2020 में कोरोना का टाइम था, तो इस टाइम पे ऐसे कोई विजिट नहीं हुई, हमारे मोदी भी गए थे आपको पता है, तो काफ़ी अच्छा रिलेशन है। आप ये बोल सकते हो फ्रांस ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन है इंडिया का, काफ़ी अच्छा रिलेशन है, और आफ्टर रसिया बहुत सारे आपको पता होगा जैसे डेजॉल्ट सिस्टम है ना, राफेल, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन बना हुआ है एजुकेशन सेक्टर से लेके, अगर देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है अराउंड 3 बिलियन डॉलर की इंडिया में, हमने भी किया हुआ है अराउंड 1 बिलियन डॉलर का फ्रांस में भी इन्वेस्टमेंट, तो है ना, तो ट्रेड डेफिसिट भी ठीक ठाक है हमारा, है ना, तो सरप्लस है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छा सा है। तो आई होप आपको इंडिया और फ्रांस का भी रिलेशन समझ में आया होगा, जितनी चीज़ें मैंने बताई वो क्लियर हैं। अगर फिर भी आपके मन में, आपके जहन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, बेझिझक आप कमेंट में लिख सकते हैं मुझे, मुझे खुशी होगी आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने में, आंसर करने में। तो ये दोस्तों थोड़ा सा एग्ज़ाम से हटकर था, बट ये इम्पोर्टेंट था समझना, जब हम आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, करंट अफेयर जब हम रिलेट करेंगे अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट में जो शामिल करने वाले हैं, है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए ये हमें काफ़ी मददगार साबित होंगी सारी चीज़ें हमें समझने में। तो दोस्तों बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं डू लाइक कमेंट शेयर, जो भी मैं क्विज कर रहा हूँ उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, अपने नोट्स बनाएं। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।